हेलो गाइस, मैं हूं सनी। तो दोस्तों आज हम करने वाले एक मजेदार गेम। तो दोस्तों आपको ये गेम तो कभी आपने सुना होगा कि भाई क्या होता है, गाना चला देते हैं एक जना और चार पांच जने मतलब एक गोला बना के बैठ जाते हैं। फिर वो करते क्या करते हैं, जैसे गाना स्टार्ट होता है वैसे एक तकिया ये बोल लेते जो आप अपने पास वाले को पास करते देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे गाना रुकता है जिसके हाथ में बोल रही जाती है उसको उठानी पड़ती है एक पर्ची। पर्ची उठाने के बाद जिसमें जो लिखा होता है वो उसे करना पड़ता है। ठीक है तो दोस्तों आज हम वही गेम करेंगे। तो दोस्तों पर्ची यहाँ पे, बच्चे यहाँ बैठे और जो डीजे वाला है हमारा जो गाना चलाएगा वो बैठा है पीछे। रेडी है क्या? हाँ ना। तो दोस्तों अब गेम कर लेते हैं स्टार्ट। आपको सबको ये गेम पता होगा इसलिए मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो करते गेम को स्टार्ट। तो दोस्तों देखो यहाँ पे रखा है हमारे पास तकिया जो कि पिल्लो, और यहाँ पे रखिए बहुत सारी पर्ची, और जो गाने बजाने वाला है वो पीछे बैठा है। और दोस्तों वो क्या है, बिना देखे गाना बजाना, वैसे तो क्या है वो गाना बजा किसी को जीता सकता है, लेकिन क्या उसको हम चेहरा पीछे कर देंगे जिससे किसी को पता नहीं रहे कब बंद करना है। ठीक है, और अचानक से बंद होगा, अचानक से कोई भी रैंडम इंसान आ जाएगा इस लपेटे में। ठीक है तो स्टार्ट करेंगे क्या? तो भाई पीछे मुड़ जा तू। तो यहाँ पे एक बंदा है जिसके आज पैर मतलब तक क्या आदमी, तो वही तालियां हो जाती इसके लिए एक बार। तो दोस्तों पहले हमें पता नहीं पाया किसके हाथ में तक क्या था, तब गाना रुका। पहले पता नहीं पाया, मुझे लगता ये है ये फिर ये, लेकिन जब गाने को स्लो मोशन होकर के देखा गया ना तो इसके हाथ में तक क्या था ना, तभी गाना रुक चुका। ठीक है तो पर्ची उठा लेते हो। ठीक है एक, और पर्ची उठाने के बाद जो भी काम होगा ना वो करना पड़ेगा। ठीक है एक बार इसको मिला देते हैं छिटे की पर्चियों को। अब एक पर्ची उठा ले इसमें कोई सी भी इच्छा हो जैसी। अब पर्ची को खोलो एक बार, दिखाओ भाई क्या इसके अंदर क्या लिख रहा है, पागल बनकर दिखाओ। तो दोस्तों मजा आएगा, तो ताली बजा दे। पागल अभी मजा आएगा ना भिड़ो दिखाओ। तो गेम में क्या है, ये बीच में आके करेगा अपनी जो हरकत है पागल बनने की। तो भाई आजा बीच में बन के दिखाएगा, पागल बन आता है ना, पागल कैसे होता है देखा है कभी, पागल देखा है क्या, चल बन के दिखाएगा मर दो। ये कड़ा गया और का यार, और पागल बन ऐसे कैसे पागल चीज करता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ पे जो एक बच्चा था ना वो हो चुका है बाहर, अब जो चार बच्चे हैं इनके बीच में वो गेम। तो स्टार्ट करें क्या? गेम 2-1 स्टार्ट। तो इस गेम के अंदर आप राजा है, लपेटे में आ चुका है। ठीक है एक बार ताली बजा दो भाई इसके लिए। तो भाई अब पर्ची उठा दीजिए बढ़िया से, देख के कोई तेज अच्छी तेरे को अच्छी लगी ना वो पर्ची उठा ले। ठीक है अब दिखाओ भाई क्या है इसके अंदर। भिखारी बनो पैसा ही पैसा होगा। तो आप आता है भिखारी बनना, कैसे 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 बनता है भिखारी? ए दे दे रे कुछ कर, दे दे तो नहीं पाया रे। तो दोस्तों यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहा है तीसरा राउंड। ठीक है रेडी हो क्या? हाँ भाई 3-2-1 स्टार्ट। दोस्तों काना के ऊपर म्यूजिक रुका है, तो भाई पर्ची उठाने के लिए रेडी है? एक बार मिक्स कर देता हूँ अच्छी तरीके। ठीक है उठा ले भाई पर्ची।
तो भाई क्या लिख रहा है, डांस करके दिखाओ। ओ भाई तो भाई अब करके दिखाया, डांस कौन सा आना चाहिए भाई तेरे को, कोई सा भी बता दे तेरा मन पसंद कोई। Three, two, one, start. Always wanted more. Can you hear me? Do you believe me? That I'm a lonely soul. Would you love me? I've been searching. Always wanted more. Can you hear me? यहाँ पे तक क्या रुका था, भोंगा यानी कि रोहित के ऊपर, ठीक है। पर्ची उठा लेगा ना, उठा ले फटाफट से एक पर्ची और ओपन कर, क्या आता है तेरे, छांट ले पर्ची अच्छी तरीके से, पढ़ंती उठा। ओ भोंगा को पुष्पा की तरह नाच, पुष्पा राज जैसे बनकर दिखाओ। ओम ठीक है, पुष्पा का पता है कैसे बनता है, पुष्पा कैसे करता है, ऐसे चल के आएगा फिर ऐसे डिजाइन से, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भोंगा पुष्पा की एक्टिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब आ जा रेडी हो जा भाई, देख इधर पुष्पा, तेरी चल चल जी बल्ली लेना, मैं तो तुम्हारी तेरी चल की चल जी बल्ली लेना। तो दोस्तों इस गेम के अंदर काफी ज्यादा मजा आया, विनर हो चुका है ये, और जो मतलब म्यूजिक बजाने वाला था ना डीजे वाला वो ये था। तो दोस्तों इसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया इस गेम के अंदर, ये दिखा नहीं लेकिन दोस्तों इसने काफी मेहनत की इस गेम के अंदर। तो दोस्तों आप क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और विनर तो आपको पता है कौन है ये, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।